बात करें, आपकी फिल्म रिलीज तो तैयार है और आप एक प्रेस मीट, स्पेशल प्रेस मीट है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं माफी चाहता हूँ अपने ऑडियंस से कि मेरी जो फिल्म 9 सितंबर को रिलीज हो रही थी उसको डिले किया गया। उसका कारण सिर्फ एक ही है कि हर वो जिला आज बाढ़ में डूबा हुआ है और बाढ़ का पानी हर उस घर का दिया को बुझा चुका है जिस घर में हमें खुशियाँ मिलती है, और मेरे साथ ये हादसा हुआ है। मेरी फिल्म 9 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, मैंने इसको आगे किया। सिर्फ वजह है कि खेसारी लाल हादसे में है और खेसारी हादसा खेसारी के ही घर में हुई है, क्योंकि वो जितने भी जिले में बाढ़ से सब लोग पीड़ित हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ खेसारी उनका घर नहीं, वो खेसारी का भी घर है और उस घर से मुझे प्यार है, और इसी के वजह से आज मैं अपने फिल्म को अक्टूबर में लेकर जा रहा हूँ ताकि आज हर आदमी का दिया बुझा हुआ है, हर घर का उस दिया चिराग बुझा हुआ है, और उस गम में मैं अपना बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि उसी मिट्टी से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और उस गरीबी को मैं जाना हूँ, समझा हूँ, परखा हूँ, और जो लोगों ने मुझे चुनकर यहाँ तक भेजा है तो मेरा फर्ज यही बनता है कि मैं अगर उनके सुख में साथ हूँ तो दुख में भी उनके साथ रहूँ। इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया और ये मेरी पूरी यूनिट होगी प्यार की जीत का, जितने भी लोग हैं इससे जुड़े हुए हैं सब लोगों ने डिसीजन ये लिया कि नहीं, हम लोग फिल्म को आगे करेंगे ताकि जो लोग तकलीफ में हैं उस तकलीफ के साथ अगर वो मेरे लिए कुछ खर्चा करते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं तो वो पैसा मुझे गवारा नहीं है, और मैं कतई नहीं चाहूँगा कि लोग तकलीफ में मेरी फिल्मों को देखें। मुझे पता है कि मेरी फिल्म रिलीज होगी तो हर आदमी जो मुझे प्यार करता है, जो जनता मुझे प्यार करती है, मैं देख चुका हूँ, और मुझे प्यार करने के लिए वो आएगी, वो मजबूर है अपने भाई से, कहीं ना कहीं मुझे प्यार करती है, उनका प्यार है मेरे ऊपर और हमेशा प्यार करती है, तो मैं उस प्यार का नाजायज फायदा नहीं उठा सकता। इसीलिए मैंने 9 सितंबर को डेट कैंसिल करके मैंने दशहरा कर दिया है कि मैं अपने भाइयों के साथ तभी आऊँगा अपनी खुशियों को बांटने के लिए जब हर घर में चिराग जलता नजर आएगा, माँ हर घर में आएगी और हर घर में जब जय रूप आएगा, माँ का आगमन होगा, उसी साथ मैं उनके साथ आऊँगा, उनके नज़दीकी सिनेमा घर में आऊँगा जो मेरा डेट दशहरा होगा। इसीलिए मुझे मैं ये दुख जाहिर कर रहा हूँ क्योंकि आज वही घर जो भी आज बाढ़ में डूबे हैं, हर शहर में हर जगह लोग जहाँ भी रह रहे हैं इस चीज़ को जो सुन रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है कि उनका आप लोग ज़रूर हेल्प करिए और आप उनके साथ रहिए जो आज हर उस शख्स को, हर उस बेटा को, हर उस स्टार को जो पब्लिक आज यहाँ तक पहुँचा देती है, और हम अपने बिजनेस करने के लिए हम उस चीज़ को अगर हम भूलते हैं तो हमारी बेवकूफ़ी है, क्योंकि उनके अगर सुख के साथ है तो दुख के साथ भी हमें रहना चाहिए, और मैं आज उनके दुख के साथ हूँ। इसीलिए मैंने 9 सितंबर का डेट कैंसिल कराया क्योंकि मैं उनके दुख में कतई हूँ और हमेशा रहूँगा और आजीवन उनके दुख के साथ हूँ और उनके सुख के साथ भी हूँ। इसलिए जो बैनर की बात करें, बैनर का नाम भी फेक फेक बात करें, जो है आपने मदद भी किया है जो है कुछ वहाँ बाढ़ पीड़ितों के लिए। हाँ, वहाँ पे हमारे बड़े भैया बुलबुल मिश्रा जी हैं जिन्होंने वहाँ पे पूरी छपरा डूब चुकी थी और बगल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, तो मैंने 40 क्विंटल चिवड़ा और मीठा और कुछ कपड़े जिनके रहने का कोई ठिकाना नहीं था उनके लिए मैंने व्यवस्था की और कोशिश किया जो उनको मैं वो खुशी दे सकूं। मैं वो तो दे नहीं सकता जो अपने घर में खुशी मिलती है लोगों की, और अपने घर का अपने छत का एक अलग ही मजा होता है, लेकिन मैंने कोशिश की जो कुछ लोगों को मैंने हेल्प किया। बाकी अब मैं चाह इसीलिए मैंने 9 सितंबर का डेट कैंसिल कर दिया। मेरे भैया ने भी बोला कि इसमें तुम अपना फिल्म रिलीज कर रहे हो और मैं नहीं चाहता कि तुम फिल्म रिलीज करो, और मैं जब ये बातें बोला कि मैं 9 को नहीं आना चाहता तो मेरे प्रोड्यूसर राहुल कपूर जी ने, बंटी जी ने, मेरी पूरी यूनिट घुंगरू जी ने, हमारे कवि जी आजाद जो भी हमारे साथ है, सोनू, सब लोगों ने ये राय यही दिया कि बिल्कुल सही कर रहे हैं भैया, आप 9 सितंबर से डेट आगे कर दीजिए, हम लोग तभी आएंगे जब हमारे पूरे बिहार में एक खुशी का माहौल होगा, हर घर में माँ का आगमन हो जाएगा, तब हम लोग आएंगे ताकि हर घर में एक खुशी की दिया जले और उसी के साथ हमारी होगी प्यार की जीत। बात करें भोजपुरी सितारों की तो क्या और भी जो स्टार हैं उनसे अपील करना चाहेंगे, वो भी मदद करें? बिल्कुल, मैं चाहूंगा जे हर उस स्टार का कर्तव्य है कि जो पब्लिक आज हमें यहाँ तक पहुंचाई है वो पब्लिक हमें आज जो हम कामना नहीं कर सकते थे, जो चीजें हमारे को कभी नसीब नहीं हो सकती थी, आज उस पब्लिक के चंदे के पैसे से खेसारी लाल के घर में आज गद्दा भी है जिस गद्दे पे बैठा हूं मैं, आज हमारे शरीर पे एक कपड़ा भी है तो हम इस पब्लिक के कर्जदार हैं, और आज इनके पैसे से खेसारी लाल यादव कपड़ा पहना है, तो मैं चाहूंगा कि हर उस स्टार का कर्तव्य है कि उनके दुख के साथ भी रहे
और उनके सुख के साथ अगर हम रहते हैं तो दुख में रहने का तो लाजमी है कि हमेशा इंसान दुख में रहे तो शायद वो सुख का भी लुप्त उठा सकता है। सर, हमेशा कंट्रोवर्सी में फिल्में आगे बढ़ती हैं, जैसा होता है कि फिल्म में कुछ गलत सीन है, कुछ भी है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि एक आपदा के चलते फिल्म को आगे बढ़ा दिया गया है। नहीं तो आपदा को लेकर लोग फिल्में बनाते हैं, फिल्में साइन करते हैं, जैसे पीछे ब्लास्ट हुआ मुंबई में, बाढ़ आई है, तो ये सब दिमाग में कैसे आया एकदम अचानक? देखिए, मैं इतने गरीब परिवार से आया हूँ ना कि शायद उस गरीबी का एहसास मुझे जब मैं गरीबों में जाता हूँ तो होता है मुझे। और मैं आज यहाँ हूँ, मुझे हर वो सुख सुविधा मिलती जरूर है, लेकिन मेरा अतीत मेरा पीछा न छोड़ा है और ना ही मैं इसको छोड़ने दूंगा, क्योंकि मेरी अतीत बहुत गरीबी से है और मैं उस हर गरीब की भावनाओं को समझता हूँ, जानता हूँ क्योंकि गरीब कैसे रहता है। और आज हम रोड पे खड़े होते हैं तो पल भर के लिए कितने तकलीफ में आ जाते हैं, लेकिन जिसके घर पे छत नहीं है, पानी में डूबा हुआ है और रोड पे तिरपाल बिछा के तिरपाल डाल के रह रहा है, उसकी स्थितियां क्या होगी? और खेसारी से वो प्यार करता है, जब मेरी फिल्में रिलीज होगी तो मैं मानता हूं वो आएगा जरूर, वो मानेगा नहीं क्योंकि ये मुझसे प्यार करते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि ये दुख में मेरी फिल्मों को देखने आए और मेरे बिजनेस को फायदा दे। वैसा पैसा मुझे नहीं चाहिए और ना ही वैसा चंदा मुझे चाहिए, क्योंकि आप तकलीफ में मुझे दे रहे हैं और उस तकलीफ में मैं भी हूं आपके साथ। इसीलिए मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं 9 सितंबर को नहीं, मेरी होगी प्यार की जीत तभी, क्योंकि मेरी प्यार आप सब हैं। एक लड़की का तो एक सिनेमा हो सकता है, लेकिन मेरी प्यार की जीत तभी हो सकती है जब मैं आपसे प्यार करूंगा, और आपके प्यार के बिना खेसारी लाल आजीवन अधूरा है, और आपके प्यार की वजह से ही मैं आज दुनिया की हर उस चीज को जीत रहा हूं। तो मेरी प्यार आपसे है और मेरी प्यार की जीत आपसे है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरी फिल्म 9 सितंबर को रिलीज ना हो, और मैंने यही इसीलिए ये डिसीजन लिया कि मैं 9 सितंबर को ना आके मैं दशहरा पे आऊंगा। सर, एक खेसारी लाल से हटके एक आम आदमी की बात करें, कोई ऐसा वाकया शेयर करेंगे? बाढ़ अक्सर आती है, हर साल आती है मुंबई में, कुछ शेयर करना चाहेंगे? जब आप हीरो नहीं थे, बाढ़ आई हो, आपने कुछ ऐसा हादसा देखा हो, शेयर करना चाहेंगे? मैं हमेशा कोशिश किया हूं कि जब भी कोई हादसा हो तो मेरी फिल्म रिलीज ना हो, इसलिए कि उस तकलीफ में मैं भी हूं और उसमें सिर्फ एक घर जलता है या करोड़ों घर जलते हैं या करोड़ों घर तबाह होता है, तो उसमें वो करोड़ों घर खेसारी का है, क्योंकि वो करोड़ों घर खेसारी को प्यार करता है, उसके गाने सुनते हैं, उसकी फिल्म देखते हैं। तो मैं यही इसीलिए शेयर करना चाहूंगा कि मैं 9 सितंबर को नहीं आ रहा हूं, वजह सिर्फ यही है कि अगर हादसा आपके साथ हुआ है तो उस हादसा का हिस्सा मैं भी हूं और मेरा भी घर है वो, इसलिए मैं 9 सितंबर को ना आके मैं दशहरा पे आया। सर, जैसे कि हर साल इस तरह का बाढ़ होता है बिहार में, तो आपको लगता है इसमें बिहार सरकार जिम्मेदार हो सकती है? जी नहीं, देखिए वहाँ पे गरीब लोग हैं, उनका इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तो नहीं होता है, तो क्या बिहार सरकार जिम्मेदार? देखिए, प्राकृतिक ऐसी चीज है कि प्राकृतिक का जो खेला होता है वो सब पे पड़ता है, और इसमें सरकार कितनी व्यवस्था देगी बताइए, हर जगह व्यवस्था देती है, लेकिन जब प्रकृति का उल्टा लक्ष्य चलता है तो शायद वो हर हमारी बनाई हुई सुविधाएं बिगड़ जाती है। हम कभी नहीं चाहते कि हम बाढ़ में डूबे, हम तो घर अच्छे जगह पे ही बनाते हैं, लेकिन बाढ़ की पानी हमें डुबा देती है। तो मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा मनोज भैया से कि आप सरकार में हैं और आज केंद्र में सरकार है आपकी और उस सरकार से हम लोग भी जुड़े हैं, तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो भी जिला त्रस्त हो चुका है बाढ़ से, तो सरकार के तरफ से आप ऐसी उनकी मदद करवाइए ताकि हमारी जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं वो कम से कम उस बाढ़ पीड़ित से उभर जाएं। दोबारा छत का तो अपना व्यवस्था वो कर ही लेंगे, क्योंकि अपने रहने के लिए जब इंसान डेली मेहनत करता है तो हर वो चीज व्यवस्था तो कर ही लेता है। अभी जब तक उनके घर में पानी है तब तक के लिए कम से कम उनके खाने पीने का, रहने का कुछ सुविधा जरूर सरकार की तरफ से होना चाहिए। मैं अपील करूंगा मनोज भैया से भी। कुछ चैरिटी के लिए आप करना चाहते हैं? सर, चैरिटी के लिए शो वगैरह रहते हैं, जैसे अक्सर होता है कहीं बाढ़ आती है, तो उसके लिए कुछ करना चाहेंगे आप? एक शो ऐसा जिससे कि जो पैसा आए वो बाढ़ पीड़ितों को वितरित किया जाए। अगर ऐसा किसी के मन में आया है कि अगर मुझे गवा कर अगर उससे कुछ पैसा आता है और उनके लिए जाता है, तो मैं अपील करता हूं कि ऐसा लोग मुझसे करा सकते हैं, मैं उनके लिए हमेशा फिर हूं। मैं अपने फिल्में छोड़कर उस शो को करूंगा और उससे जो पैसा आएगा मैं कोशिश करूंगा और मैं बोलूंगा, मैं बोल रहा हूं कि उन बाढ़ पीड़ित लोगों को दिया जाए और उनकी व्यवस्था की जाए। सर, पहली बार ऐसा अनाउंसमेंट है, बहुत ही अच्छा लगा आपकी बात सुनकर, हमसे बात करने के लिए थैंक यू। और मैं अपील करता हूं कि मैं आपके दुख के साथ हूं, आपके सुख के भी साथ हूं, और जिस दिन आपके घर में दिया जलेगा
उसी पैसे से खेसारी की आप फिल्म देखिएगा, मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं आ रहा हूँ अक्टूबर में दशहरा पे आपके घर में, खुशियों के साथ आ रहा हूँ। जब आपके घर में माँ आएगी उसी समय मेरी होगी प्यार की जीत आपके सामने आएगी। इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं 9 सितंबर को नहीं आ रहा हूँ। उसका वजह सिर्फ यही है कि वो करोड़ों जो घर बर्बाद हुए हैं उस बर्बादी में मेरा भी, और मैं आपके साथ हूँ इसीलिए।